नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज स्टेनो की 25वीं क्लास है। इसमें अपन पढ़ेंगे कि मैंने पिछली क्लास में केंद्र, कांग्रेस ये शब्द यूज हुए थे तो कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहे थे कि केंद्र शब्द से बहुत सारे शब्द भी बनते हैं। तो आप घबराए नहीं, आपको केंद्र शब्द से बनने वाले और वाची शब्द से बनने वाले बहुत सारे शब्द मिलेंगे। इनमें भी कंफ्यूजन रहता है तो अपन इन शब्दों को एक साथ पढ़ने से आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द किस टाइप से बनता है और किस टाइप से अपन को लिखना है, जिससे अपनी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा। आपको हर शब्द लिखना आ जाएगा और आप जो ट्रांसलेशन करोगे उस समय गलती नहीं होगी। इसका उद्देश्य यही होता है। इस पैटर्न से पढ़ने से आपको एक एक वर्ड्स क्लियर रहता है कि मुझे कांग्रेस वर्ड कैसे लिखना। कांग्रेस जन आते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना, सिर्फ जन जोड़ना है उसके अंदर। तो इस टाइप से आप लोग कलेक्शन करें वर्ड्स का। और भी वर्ड्स यदि इस टाइप से या फिर केंद्र से रिलेटेड और भी वर्ड्स है तो आप मुझे लिख के भेजें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। इसी टाइप से वासी शब्द का, तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो अपनी 25वीं क्लास है इसके अंदर वासी शब्द, जो कि अर्थात अपना शब्द काटकर, पहले भी मैंने बताया तो आपको याद ही होगा वैसे। तो यहां पे आता ग्रामवासी, तो ग्रामवासी गए तो गए और मैं को वासी से काट दिया, तो ये अपना ग्रामवासी। ग्रामवासियों में या तो आप ओ की मात्रा लगा दो या फिर सिर्फ यहां पे डॉट लगा दो पीछे की तरफ, तो इस जगह अपना ग्राम वासियों। आगे चलते हैं आदिवासी। आदिवासी जब भी बनेगा आदिवासी आदिवासियों, तो ये लाइन के ऊपर रहेगा हमेशा। तो आदिवासी में सिंपल ए बनाएंगे लाइन के ऊपर, इसको अपन काट देंगे वासी से। तो आदिवासी और इसी पे ऊपर साइड में पीछे की ओर डॉट लगा दो या फिर ओ की मात्रा लगा दो, तो क्या हो जाएगा अपना आदिवासियों और आदिवासियों, आदिवासी जातियों। तो ए बना के आदिवासी जातियों, वो अपन आगे और पढ़ लेंगे। अब भारत वर्ड अपन लगाते हैं भय बना के और पीछे की तरफ डॉट, तो यहां पे भारतवासी बनाएंगे तो यो लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप डॉट लगाएं। यो नहीं, पहले आप पूरे वर्ड्स को इस टाइप से बनाएं, फिर वासी से काटें और फिर इसकी डॉट आप लगाएं, तो इस जगह अपना भारतवासी। अब आपके सामने आ जाता है निवासी। निवास शब्द आएगा उस कंडीशन में आप लिखेंगे न, व और स। सिंपल निवास आए तो निवासी आता तो ने और इसके साथ में जोड़ देंगे अपन। तो यहां पे इसको अपन जोड़ना है। कुछ बच्चे इसको ने को इस टाइप से भी लिखते हैं, तो ये भी सही है। तो यहां पे अपनी क्या पेंसिल उठती है, तो इसमें अगर आप पेंसिल उठाओगे तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इस पैटर्न से आप याद रख लो क्योंकि वासी हमेशा काट के लिखते हैं। निवासियों, निवासियों में ने बनाया और ये लिख दिया मैंने साथ में, तो ये अपना निवासियों। अब आता अपना आदिम जाति। ए द और मैं इसको काट दिया मैंने जैसे ही, तो ये अपना जाति। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आदिम लिख के और ये ज और त से काटते हैं, आदिम जाति जातियों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बड़ा हो जाता है, इस हिसाब से लिखे आप लोग आदिम जातियों में ओ की मात्रा लगा देंगे और आदिम जातिया यहां पे आ की मात्रा लगा देंगे। यदि इस टाइप से आप बनाते हो तो इस टाइप से जातिया इस टाइप से लिखना पड़ेगा, तो यहां पे और बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे आप सिर्फ आ की मात्रा लगा दो। इसी टाइप से आदिम जातियों ओ की मात्रा लगा दो या फिर पीछे की तरफ डॉट लगा दो,
आगे देखते हैं आदिवासी जाति, तो आदिवासी ए बनाया, वासी और युगे जय बना दिया, तो जाति। इस पैटर्न पे लिखना चाहते हो तो ते पीछे जोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको जो फर्स्ट में बनाए गए शब्द है उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। आगे देखते हैं आदिवासी जातियों, पीछे की तरफ डॉट लगा दो या फिर ओ की मात्रा लगा दे। अब दोस्तों अनु, अनु से बनने वाले शब्द हमेशा छोटा सा टे, टे का आधा पार्ट लाइन पे आता तो क्या बन जाएगा अपना से, और ये जब कहीं से भी स्टार्ट होता है कोई शब्द के साथ में आता है तो ये बन जाता अपना अनु। अनु हमेशा शब्द के साथ में आता है, जो भी शब्द होता है उसके जस्ट पहले। तो अनु से रिलेटेड बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे अपन आने वाली क्लास में। अनुसूचित जाति, तो ये अनु बनाया मैंने लाइन के ऊपर और जय बनाया और तय लिख दिया। दोस्तों जो कंप्लीट को लाइन पे टच नहीं करना, लाइन के ऊपर रचना है। अनुसूचित जातियों, तो पीछे की तरफ बोर्ड लगा दो या फिर ओ की मात्रा लगा देंगे। एक आता अपना अनुसूचित जनजाति, तो अनु सूचित जय और जाति। भाई इसमें क्या हुआ, एक जय आ रहा है और एक जाति का जय आ रहा है, तो दो जय आ रहे हैं यहां पे, तो मैंने भी दो जय बना दिए। अनु के साथ में यहां पे एक जय आ रहा है, अनुसूचित जाति जातियों तो यहां पे एक जय आ रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है अनुसूचित जन जाति, तो दो डबल बार अपन जय बना देंगे और साथ में तय जोड़ देंगे, तो ये जगह अनुसूचित जाति। एक तरह से ये हो गया अनु और जातियों और अनुसूचित जनजाति, और यहां पे ओ की मात्रा लगा दो तो ये जगह अपना अनुसूचित जनजातियों। अब दोस्तों कई बार आपने देखा है कि केवल केंद्र कांग्रेस, और किस लिए, इसलिए इस टाइप के भी वर्ड आते हैं, वो लाइन के नीचे आता है। तो किस लिए लाइन के नीचे आता है, तो केवल सिर्फ सिंपल लाइन आएगी और केंद्र हमेशा बाद में डॉट आती है और कांग्रेस में पहले डॉट आती है। आप इस चीज को ध्यान रख लें कि जब भी आपको कांग्रेस वर्ड बनाना है तो पहले आपको डॉट लगाना है, और केंद्र बनाना है तो पीछे की ओर डॉट लगाना है, मतलब बाद में यहां पे। तो केंद्र हो गया अपना और कांग्रेस हो गया, इससे भी आपके काफी सारे वर्ड्स बन के तैयार होते हैं। देखते हैं केंद्रित, केंद्रित में क और तय जोड़ दिया तो एक अपना केंद्रित। अब आपके सामने इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे अपन केंद्रीय, केंद्रित से केंद्रीय। अब दोस्तों केंद्रीय इस टाइप से भी कुछ लोग बनाते हैं, आप ऐसा ही बना सकते हो, लेकिन ये बड़ा हो जाता मेरे दोस्तों, और आपको जो ये वाला केंद्रीय है ये आपको इजी वे में समझ में आएगा और छोटा भी है, तो आप लोग इस टाइप से लिखिए केंद्र और ये केंद्रीय। अब यहां पे देखते हैं केंद्रीकरण, केंद्रीकरण में लास्ट में क और अनार है, तो कुछ बच्चे जब भी करण आता है वो शब्द के साथ में एंड में जोड़ा जाता है, शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको क और अण इतना बड़ा बनाते हैं इस टाइप से। तो दोस्तों इस टाइप से नहीं बनाना, आपको सिंपल बनाना है क के साथ में अण, क के साथ में अण बना के ऊपर की तरफ डॉट लगाएंगे तो जगह अपना केंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण आएगा तो इसी के भी जोड़ देंगे और केंद्रीकरण बना देंगे तो इस जगह अपना विकेंद्रीकरण। अब आता आपके सामने केंद्र शासित क्षेत्र, शासन वाला मैं पढ़ाने वाला हूं आने वाली 30वीं या 31वीं क्लास में। तो केंद्र शासित क्षेत्र, अब शासित को अपन लाइन काट के
तो ये केंद्र बन गया और ये बन गया शासित और ये क्षेत्र। क्षेत्र वर्ड जब भी आता है वो अपना शब्द के नीचे आता अत्र है, तो केंद्र की डॉट लगा दी, केंद्र शासित क्षेत्र। अब इसी टाइप से कांग्रेस, अब ये आपके कांग्रेस है तो कांग्रेस से कांग्रेस जना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जय और न, सिर्फ जय और न, और कांग्रेस जनों में ओ की मात्रा लगा देंगे, तो ये जगह अपना कांग्रेस जनों। अब दोस्तों कांग्रेस सरकार, केंद्र सरकार, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं वो मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे आपने लिखा, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, आपने लिखा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, तो अपन कैसे लिखेंगे, केंद्र बनाया, सरकार अपन ऐसे बनाते हैं तो केंद्र सरकार। इसी टाइप से कांग्रेस सरकार, तो कांग्रेस सरकार में क्या करेंगे, ये बना दिया और ये दोनों तरफ डॉट लगा दी, कांग्रेस सरकार हो केंद्र सरकार हो उसकी मात्रा लगा देंगे, तो ये वर्ड्स इस टाइप से बन जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में पढ़ाया गया का अपन सबसे पहले डिक्टेशन लिखते हैं, उसके बाद में आप लोग ट्रांसलेशन करें और चेक जरूर करें। जिसके भी यदि 2 से 3 गलती से ज्यादा आ रही है तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देखें और उसके बाद में फिर से ये डिटेक्शन लिखें। तो रेडी स्टार्ट। ग्रामवासी, आदिवासियों, भारतवासियों, निवासियों, अनुसूचित जाति, आदिम जातियों, केवल, केंद्रीय, कांग्रेस जन, कांग्रेस जनों, केंद्रीकरण, केंद्रीय, आदिम जातियों, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, केंद्रित, निवासियों, आदिवासियों, आदिम जाति, केंद्रीकरण, केंद्र शासित क्षेत्र, केंद्र सरकार, भारत सरकार, कांग्रेस सरकार। दोस्तों ये जो मैंने आपको डिटेक्शन बोली है इसको आप अच्छे से लिखें, उसके बाद में एक वर्ड को कम से कम आप लोग 20 से 30 बार लिख के प्रैक्टिस करें, जिससे आपको जब भी डिटेक्शन में लिखते हैं उस समय आपका हाथ नहीं रुके और आपको दिक्कत नहीं हो और ट्रांसलेशन भी इजी से हो सके। तो दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।